भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष मंगलवार को उज्जैन पहुंचे। उनके साथ प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद थे। यहां सभी नेता बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती की। यहां महाकाल के मुख्य पुजारी महेश गुरु ने पूजन अर्चन करवाया। यहां भस्म आरती के बाद पंडे पुजारियों ने उनका सम्मान भी किया। पुजारी महेश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि भस्म आरती के बाद बीएल संतोष ने कहा कि उन्हें साक्षात कैलाश लोक के दर्शन हुए हैं। भस्म आरती में पधारे थे, उनके साथ में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी थे, साथ ही हमारे नगर के यशस्वी मंत्री मोहन जी यादव और आदि अन्य भाजपा के वरिष्ठ लोग साथ में थे। भस्म आरती का दर्शन किया, पूरे समय भस्म आरती में पंचामृत वगैरह सब उन्होंने बड़े दिव्यता से देखी और देखने के पश्चात ये उन्होंने कहा कि आज मैं महाकाल मंदिर में भस्म आरती का दर्शन करने के साथ मुझे ऐसा लगा कि मैं कैलाश लोक के यात्रा कर रहा हूँ, यहाँ के दर्शन कर रहा हूँ, इतना भाव विभोर वो भस्म आरती को देख के हुए। उज्जैन पहुंचे अध्यक्ष वीडी शर्मा और राष्ट्र संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत उज्जैन के पाठपाला में मंडल कार्य समिति में शामिल होंगे। इसके अलावा मंडल अध्यक्ष पदाधिकारी सहित कार्य समिति के साथ बैठक भी करेंगे।